बिजनौर जिले के नजीबाबाद का रहने वाला इरफान उर्फ इकबाल नाका ने साल 2014 को अपने दो सगे भाई नौशाद इरशाद और अपने पुत्र इस्लामुद्दीन को कमरे में ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी थी, जिसमें आरोपी इरफान नाका के दो भाइयों और एक पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस मामले में थाना नजीबाबाद में परिजनों की मृतकों की तहरीर पर इरफान के खिलाफ ट्रिपल हत्याकांड मामला दर्ज किया गया था। तब से लेकर यह मामला बिजनौर जिले की एडीजे कोर्ट नंबर 6 में सुनवाई चल रही थी और आज एडीजे रजनीश कुमार ने इरफान को आरोपी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। सरकारी वकील की दलील अगर माने तो आरोपी इरफान ने दूसरी शादी की थी और दूसरी पत्नी ने कहा था कि अपनी संपत्ति मेरे नाम करो। आरोपी इरफान अपनी सारी संपत्ति दूसरी पत्नी के नाम करना चाहता था। इस बात का विरोध आरोपी इरफान के लड़के और दो भाइयों ने किया था। बस इसी बात पर आरोपी इरफान ने अपने घर में ही मौत का नंगा नाच कर दिया था। जज ने इस मामले को हनीस क्राइम की परिधि में मानते हुए आरोपी इरफान को मौत की सजा सुना दी। इतना ही नहीं, आरोपी इरफान उत्तराखंड में भी एक व्यक्ति के मर्डर की सजा में जेल काट चुका है। आरोपी इरफान को कत्ल करने में मजा आता था। इस मामले में एक्यूज इरफान नाकन ने अपने सगे पुत्र और दो सगे भाइयों को सिर्फ इस बात पर कि उसने दूसरी शादी कर ली थी इरफान ने और उसमें प्रॉपर्टी अपने दूसरी पत्नी और उसके बच्चों के नाम करना चाहता था और उसके पहले पुत्र ने अपने हिस्से की मांग की, इस बात पर एक कमरे में बंद कर अपने पुत्र और अपने दो सगे भाइयों को ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी और वहां से भाग गया। इससे पहले भी ये मुलजिम 302 के एक मुकदमे में उत्तराखंड में सजा काट चुका था और ये आदि हो गया था इस बात का, इसको लोगों की जान की परवाह नहीं थी और इस वजह से कोर्ट ने इसको रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस मानते हुए इसमें फांसी की सजा सुनाई है। और जो ज्वलनशील पदार्थ वाला मामला सेक्शन 326A में 326A में भी इसको पनिश किया है और इसके कन्फर्मेशन के लिए फांसी के लिए ऑनरेबल कोर्ट जो है वो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट को रेफरेंस भेजा जा रहा है ताकि इसकी फांसी की सजा कन्फर्म हो सके। बिजनौर से राजू फहीम की खास रिपोर्ट।